हाय शैलेश, एक बार फिर से इंश्योरेंस समाधान की तरफ से आपको इंश्योरेंस सावधानी के बारे में जानकारी देने के लिए। आप सभी को जन्मदिन की शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। आप सोच रहे होंगे भाई हैप्पी बर्थडे की बात क्यों, तो बर्थडे आप सभी का एक पहचान होती है, जैसे आपका नाम है वैसे आपका जन्मदिन भी आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी पहचान है। यह पहचान किसी भी प्रपोजल फॉर्म भरते वक्त आपको सही तरीके से देना बहुत जरूरी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो पहचान है वो आपके दूसरे और आईडीज में, जैसे कि पैन कार्ड है, जैसे कि आधार कार्ड है, जैसे कि आपकी हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, तो पासपोर्ट है, इन सभी में आपकी डेट ऑफ बर्थ एक मैंडेटरी होती है और यही डेट ऑफ बर्थ आपको अपने प्रपोजल फॉर्म में लिखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट से आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 जनवरी 1984, तो इसमें कभी भी जब आप डेट ऑफ बर्थ लेंगे तो हमेशा ध्यान रखिए एग्जैक्टली मैच करे आपके किसी भी आईडी से, क्योंकि ये आईडी आपके लिए कभी भी आप किसी बीमा कंपनी में जाएंगे तो आपकी पहचान से आप उसको हमेशा निकाल सकते हैं। आपको वो आइडेंटिफाई आपके नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ से करेंगे। तो जरूरी ध्यान रखिए कि अपना डेट ऑफ बर्थ आप बड़े स्पेसिफिक तरीके से बिल्कुल सही डेट ऑफ बर्थ आप दें। ये डेट ऑफ बर्थ आपको अपने प्रीमियम कैलकुलेट करने में मदद करती है, जो आपकी उम्र होगी उसी के हिसाब से आपका प्रीमियम भी बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए डेट ऑफ बर्थ को सही तरीके से लिखें और ध्यानपूर्वक उसको देखें। थैंक यू वेरी मच।